नई दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हौसखास मेट्रो स्टेशन के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। पुणे से भाजपा उम्मीदवार मुरलीधर मोहोल ने नामांकन दाखिल करने से पहले कहा, मेरे जैसा कार्यकर्ता जिसने बूथ प्रमुख के रूप में अपना कार्य शुरू किया, आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने कहा, पीएम मोदी ने एनडीआई गठबंधन की सारी पोल खोल दी है, ये बस अपना भ्रष्टाचार लेकर आए हैं, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी को नीलाम करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश संभल में पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, विपक्ष में भारतीय संस्कृति सभ्यता और संस्कारों के विरोधियों का एक गैंग बन गया है जो पीएम मोदी को हटाना और मिटाना चाहता है, क्योंकि पीएम मोदी सनातन के ध्वजवाहक के रूप में है। जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या किए जाने पर मिसौड़ी के एसडीपीओ कन्हैया सिंह ने बताया, सौरभ कुमार अपने दोस्तों के साथ एक रिसेप्शन में शामिल होने आए थे, लौटते वक्त अज्ञात लोगों ने उन्हें गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, हालांकि तब तक सौरभ कुमार की मृत्यु हो गई थी। इस मामले की जांच की जा रही है।